आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं में प्रेग्नेंट ना होने के बड़े कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में स्ट्रेस और एंग्जायटी। रिसर्च और स्टडी में ये खुलासा किया गया है कि जो महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं उनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस घट जाती है। रिसर्च और स्टडी के मुताबिक जब महिलाएं स्ट्रेस लेती हैं तो महिलाओं में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है और ये स्ट्रेस हार्मोन महिलाओं के ब्रेन में हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग में रुकावट डालती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड महिलाओं के ओवुलेशन और पीरियड को रेगुलेट करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अगर हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो महिलाओं के पीरियड टाइम पर नहीं आएगी, ओवुलेशन टाइम पर नहीं होगा, अंडा समय पर नहीं फूटेगा और महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो अब आपको समझ में आ ही गया कि आखिर आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे आसान और नेचुरल जो तरीका है वो है योगासन और एक्सरसाइजेस। योगासन और एक्सरसाइजेस ना सिर्फ आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है बल्कि ये आपके ओवुलेशन को भी बूस्ट करता है, अंडे भी समय पर फूटते हैं, आपकी पीरियड भी टाइम पर आती है। इतना ही नहीं, आपके हार्मोन भी बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप ओवरवेट के कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, आपको PCOD की प्रॉब्लम है, तो योगासन और एक्सरसाइजेस आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और आपका वेट भी कम हो जाता है, साथ ही आपकी PCOD की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, योगासन और एक्सरसाइजेस आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे आपकी बच्चेदानी का मुंह भी आसानी से खुल पाता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाने के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इस सिचुएशन में भी आपके लिए योगासन और एक्सरसाइजेस काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज भी खुल सकता है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर आपको कौन से योगासन करने हैं, कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं ताकि आपका स्ट्रेस तो मैनेज हो ही, साथ ही आपके पीरियड भी टाइम पर आने लगे और अंडे भी समय पर फूटे ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे खास योगासन और एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ जिससे आपकी ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नंबर 1, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज को तितली आसन भी कहा जाता है। नंबर 2, बेयर एंड पिलेट। नंबर 3, कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच को भुंजंगासन भी कहा जाता है। नंबर 4, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज को हिंदी में बालासन भी कहा जाता है। नंबर 5, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, जिसे हिंदी में पश्चिम मुत्तासन भी कहा जाता है। ये जितने भी मैंने आपको योगासन और एक्सरसाइजेस के नाम बताए हैं, ये सारे महिलाओं की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है, महिलाओं के यूट्रस में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, यूटराइन लाइनिंग को बनने में मदद करता है, साथ ही कमज़ोर बच्चेदानी को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ही जिन महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, ये योगासन एक्सरसाइजेस महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह को खोलने में मदद करता है, जिससे महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इन सारे योगासन को करने के साथ साथ आपको कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस भी करने हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस आपके पीरियड को टाइम पर लाने में और अंडे को समय पर फूटने में मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कई सारे होते हैं, जिनमें से आप रनिंग, जंपिंग, रोपिंग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी आसान लगे, आप उस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को हर रोज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जितने भी योगासन और एक्सरसाइजेस बताए हैं, प्रत्येक योगासन और एक्सरसाइजेस को हर रोज़ आपको कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि ये सारे योगासन और एक्सरसाइजेस एक्चुअल में कैसे किए जाते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को देखकर आप आसानी से घर बैठे ही इन सारे योगासन और एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको उन सारे योगासन और एक्सरसाइजेस के बारे में बता दिया जो आपके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे योगासन और एक्सरसाइजेस जल्दी काम करे, आपको जल्दी रिजल्ट दिखे, तो इसके लिए आपको अपने डाइट में कुछ न्यूट्रिशन को भी ऐड करना होगा, आपको अपनी डाइट को चेंजेस करना होगा। आपको हर रोज ताज़े फल, हरी सब्जियां और सीड्स और नट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आपके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में भी मदद करता है। तो आपको हर रोज़ हरे फल, सब्जियां और सीड्स और नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करना है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे चैनल पर आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपको अलग अलग प्रॉब्लम पर अलग अलग सॉल्यूशन बताया है, अलग अलग घरेलू उपाय के बारे में बताया है, जिससे आप नेचुरली 100% प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जाके उन सारे वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।